दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। बन्नाखेड़ा रेंज के कालाडूंगी तहसील के ग्राम रतनपुर बैल पड़ाव में जंगली हाथियों द्वारा पिछले कई हफ्तों से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसान की गेहूं एवं गन्ने की फसल को हाथियों द्वारा रोज रात के समय नष्ट किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों द्वारा रात्रि में गश्त भी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगली हाथी नहीं भाग पा रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण ने परेशान होकर वन क्षेत्र अधिकारी को जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए अनुरोध किया। वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अधिकतर ग्रामीण व किसान रात के समय सिंचाई आदि के कार्य से सड़क से आते जाते रहते हैं, जिस कारण ग्रामीणों में जान माल का खतरा भी बना हुआ है। ग्राम प्रधान सुधा तिवारी द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी बन्नाखेड़ा मरतेलिया को दूरभाष द्वारा जानकारी दी गई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि विगत एक हफ्ते से लगातार हाथी द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, परंतु वन विभाग को सूचना देने के उपरांत भी वन विभाग मौन बना हुआ है। ये कल रात कालीगढ़ बीट के अंतर्गत कठपुलिया भाखड़ा पुल से थोड़ा सा आगे पुलिया के पास एक इनोवा गाड़ी की टक्कर से एक टाइगर इंजर्ड हो गया था, और जो जंगल में फिर उसकी कॉम्बिंग की गई। आज प्रातः फिर दोबारा कॉम्बिंग, रात को पूरी कॉम्बिंग नहीं हो पाई, नहीं मिल पाया था, सुबह दोबारा कॉम्बिंग की गई तो उसके मृत अवस्था में बरामद कर लिया गया, जिसके सारे अंग सुरक्षित हैं और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पीएम के साल का ये करीब 12 से 15 साल का मेल टाइगर है।